Audio Jungle. इंदौर के भाजपा कार्यालय पर तीन तलाक बिल पास होने पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा खुशी मनाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास होने पर सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को मिठाई खिलाकर अपनी खुशियों को जाहिर किया। महिलाओं का कहना था कि यह निर्णय लेकर मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। वह तलाक के बाद उनके बच्चों को जो परेशानी होती है, जिससे वह एक अनाथ की तरह जीते हैं, वह सब चीजें अब नहीं होंगी। और एक तलाक तलाक करके तलाक दे लेते हैं, शादी ब्याह को एक हंसी मजाक बना रखा है इन्होंने। इस्लाम के नाम पे एक मजाक हम लोगों को, मतलब मुस्लिम कास्ट में पूरा ऐसा बना रखा है इन लोगों ने कि कभी भी लेडीज़ के साथ में शादी कर लेते हैं और किसी चीज़ की कोई कमी आती है तो लेडीज़ को ही वो सीधा मोहरा बनाते हैं कि नहीं ये इस वजह से ऐसा करती है, इस वजह से ऐसा करती है। अगर वो तलाक दे देती है और बच्चे हो जाते हैं तो उनको तलाक देने के बाद में वो क्या करती है, अगर माता पिता सही रहते हैं उनके तो संभाल लेते हैं और उनको अच्छी दिशाएं देते हैं। अगर माता पिता अगर ऐसे उस लायक नहीं रहते तो वो क्या होता है कि सीधे वो या तो झाड़ू बर्तन या तो लोगों की गुलामी करके सारी ज़िंदगी निकाल देती, या तो फिर वो गलत रास्ते पे चली जाती है। अगर गलत रास्ते पे चली जाती तो बोलते कि देखो ये गलत रास्ते पे चली जाती, तो सारी चीज़ें औरतों के ऊपर ही क्यों आती सारी लाछन? औरतें ही सब कुछ होती क्या? आदमी कुछ भी नहीं कर सकते क्या? और दूसरी बात है कि सरासर एक भेला फुसला के शादी कर लेते हैं, बहुत से धोखा दे देते हैं, तो ये भी औरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा ना। और बस तलाक 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 के नाम के एक मजाक बना रखा है। महिलाओं ने यह भी बताया कि तलाक लेने के बाद उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वह पढ़ी लिखी ना हो तो उनके पास मौत के अलावा या गलत रास्ते पर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। बाइट कैनन के लिए खुशबू यादव की रिपोर्ट।